ये शाम की बची हुई रोटी है और इसे मैं बहुत ही एक मजेदार नाश्ता बताने जा रही हूँ आपको। तो मैंने इसमें लिया है 3 रोटी, तो क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊंगी कि कितना क्या लगेगा। और ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है, और कभी कभी रोटी खाते खाते बोर हो जाए ना, तो इस तरीके का आप नाश्ता बना के आप रोटियों का भी यूज कर लेते हैं, प्लस अच्छा सा नाश्ता भी खा सकते हैं। तो चलिए ऑयल में डाल दूंगी हीट होने के लिए। दिए हैं, अब इसमें मैं ये रोटी डीप फ्राई कर लूँगी। इसको तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक कि ये गोल्डन कलर की भी ना हो जाए। ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है, आप देख सकते हैं ना। तो एक साइड मेरी हो चुकी थी, दूसरी साइड पलट के मैंने निकाल लिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, रोटियों को तोड़ सकते हैं। तो मैंने एक रोटी को 4 पीस में तोड़ लिया है, और इसको इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। क्या होता है, इस तरीके से फ्राई करने में ना रोटी हमको तोड़ के बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी पीसेस में कट रहेंगी, बस इनको फ्राई करके डालना रहेगा। तो इस तरीके से ये भी जैसे ही ब्राउन कलर हो जाएगा, ये मीडियम से स्लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, जिससे रोटियां क्या होता है क्रिस्पी हो जाए। फिर हम पीनट्स को फ्राई कर लेंगे डीप फ्राई। तो इसको ब्राउन कलर तक मैं फ्राई करूँगी, अभी मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसमें चूड़ा, जो पोहे वाला चूड़वा आता है, उसको मैं 1 कप फ्राई कर लूँगी। तो इसकी क्वांटिटी सब 1-1 कप लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें मेजरमेंट है। और ये रोस्टेड चना है, इसको यहाँ पे केरले भी बोलते हैं, साउथ में इसको केरले बोलते हैं। तो इसको भी इसको स्लो फ्लेम में करेंगे, नहीं तो ये जल जाता है। अब मैं सबको एक साथ थाली में रख के ऑनियन चॉप करके डाल दूँगी, या फिर इसको मिला लूँगी। देख सकते हैं आप, ये मिला। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, साथ में धनिया चॉप करके 1 स्पून, ये ब्लैक पेपर है, चाट मसाला है। तो इसमें सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें फिर ये रेड चिली पाउडर है 1 स्पून, ये थोड़ा सा गरम मसाला है। देखा दोस्तों, ये रोटियां कितनी क्रिस्पी हो गई है ना। तो ये स्लो फ्लेम पे, मीडियम स्लो फ्लेम में इस तरीके से डीप फ्राई करेंगे ना, तो रोटियां इस तरीके से ही क्रिस्पी हो जाती है। अब 1 स्पून लेमन जूस डाल देंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनता है, जो सबको पसंद आता है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। तो कभी बासी रोटी बचे ना तो उसको फेंकिए नहीं, ऐसे नाश्ता ही बना लीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ एक नई डिश के साथ। बाय बाय, थैंक यू।